जिलाधिकारी के विजयन पांडेय ने बच्चों को अच्छी शिक्षा दिलाने के उद्देश्य से स्मार्ट क्लास बनाने के लिए कलेक्ट्रेट सभागार में जिला विद्यालय निरीक्षक एवं संयुक्त शिक्षा निदेशक के साथ बैठक करके कार्य योजना के बारे में जानकारी प्राप्त की। इस दौरान उन्होंने स्मार्ट क्लास के लिए तैयार किए गए सामग्री को भी देखा। इस दौरान उन्होंने बताया कि अभी जनपद में कुल 100 स्मार्ट क्लासेस बनाने की तैयारी की जा रही है, जल्द ही इसे पूरा कर लिया जाएगा। उन्होंने जिला विद्यालय निरीक्षक व संयुक्त शिक्षा निदेशक को निर्देश दिया है कि इसके लिए एक टीम का गठन भी किया गया है जो स्मार्ट क्लास के लिए तैयार सामग्रियों में आवश्यक सहयोग देगा। ग्रुप न्यूज से बात करते हुए जिलाधिकारी के विजयन पांडेय ने बताया, राजस्थान में जो दो जगह चल रहा है उसमें कैसे गया था, एक अंतर ये हो गया। उसके बाद बच्चे के साथ साथ लेसन जब कंप्लीट होता है ठीक है, उसके बाद उनका अचीवमेंट पैरामीटर है उसमें मान बच्चे के कितने ज्ञान वृद्धि हुआ है, यहाँ पे की पॉइंट्स जो हमारे चैप्टर पढ़ाने के बाद से की पॉइंट्स आते हैं उस पर से ये पूछे जाते हैं। नाउ यहाँ पे जो क्विजेज सेंट हुआ है बॉल के क्या इस तरह के उसमें ये कहाँ पूछोगे, किससे पूछोगे? स्टूडेंट से। स्टूडेंट से यार क्लास में 50 बच्चे 100 बच्चे तो असेसमेंट कैसे करते हो, मतलब बच्चे कितने सीख रहे हैं, बच्चे का कहाँ कहाँ कमजोरी है, कौन बच्चे पीछे हैं, कौन बच्चे आगे हैं, वी हैव अ डेमो वीडियो फॉर दैट, ये किस तरह से कैसे करोगे? मतलब आते हैं बच्चे अपने लॉगिन से यूज करेंगे, उसके बाद एग्जाम में जो भी क्वेश्चन है वो आंसर करेंगे, उसके बाद अपने लॉगिन आईडी से वापस आ जाएंगे। हां ये टीचर के पास है लेकिन वो अभी यहां पे जितने भी स्कूल हैं प्राइवेट और जो विजुअल्स हैं जहाँ पे वो इंग्लिश टर्म्स लिखे हुए आ रहे हैं वहाँ पे हिंदी पुट करना है। तो एंड मोर ओवर हम तो कह रहे हैं कि हम तो कब से आपसे डिलीवरी तभी ले रहे हैं किसी चीज़ का, पेमेंट भी तभी ले रहे हैं जब नौकरी डिलीवर करें, वी आर कॉन्फिडेंट ओवर दैट यू डिलीवर इन 3 मंथ्स। कुछ 6 किलो और इन दोनों के बीच का डिस्टेंस है कुछ 10 सेंटीमीटर का और मुझे पता लगा है कि इन दोनों की सेंटर मास ये कहाँ पे लाई करने वाली है, तो तुम्हें अंदाजा हो गया होगा कि इन दोनों की सेंटर मास ये तो इन दोनों के बीच में ही कहीं लाई करने वाली है और क्योंकि ये वाली मास थोड़ी ज्यादा भारी है ना इसलिए सेंटर मास इसके तरफ थोड़ी सी क्लोज होगी, कहीं यहाँ पे होने वाली है सेंटर मास। लेकिन एग्जैक्ट पोजिशन क्या होगा सेंटर मास का, तो इसके लिए हम एक फॉर्मूले का इस्तेमाल कर रहे हैं। XCM ये हो गई सेंटर ऑफ मास की पोजीशन, ये बराबर होने वाली है पहली ऑब्जेक्ट की मास इनटू उसकी पोजीशन प्लस दूसरे ऑब्जेक्ट की मास इनटू उसकी पोजीशन प्लस तीसरे ऑब्जेक्ट की मास इनटू उसकी पोजीशन। ऐसे करते करते तुम सारे ऑब्जेक्ट्स और उसकी मास और उसकी पोजीशन का प्रोडक्ट यहाँ पे लिख देना डिवाइड बाय सारे ऑब्जेक्ट्स की मासेस। अब ये रेशियो तुम्हें दे देगा सेंटर ऑफ मास, इन सारे मासेस की सेंटर ऑफ मास की पोजीशन। तो हम इसे कैलकुलेट करते हैं हमारे इस एग्जांपल के ना मास। अब पहला ऑब्जेक्ट मान लेते हैं कि ये वाला ऑब्जेक्ट है, किसी भी ऑब्जेक्ट को तुम फर्स्ट ऑब्जेक्ट मान सकते हो, मैं मान रहा हूँ कि ये रेड वाली ऑब्जेक्ट पहली है, इसकी कोऑर्डिनेट सिस्टम है ही नहीं और यहाँ पे कोई ओरिजिन भी नहीं। किसको जानकारी है वही अनुवादन करने में काम नहीं चले, किसको कॉन्सेप्ट समझ में आता है दोनों माध्यम से वही बेहतर कर पाए। देखिए स्मार्ट स्कूल हम लोग माध्यमिक शिक्षा का आप तो जानते हैं कक्षा 9 से लेके कक्षा 12 तक का NCERT सिलेबस तो अडॉप्ट हो गया है, उसके लिए जो हम लोग का CSR फंडिंग के जरिए से कुछ पैसा देने के लिए कंपनी ने वादा किया उसी के अंदर हम लोग स्मार्ट क्लासेस सरकारी विद्यालय को स्मार्ट क्लासेस के रूप से कन्वर्ट कर रहे हैं, उस पर जो सारे कंटेंट होता है वो हिंदी में होता है
उसमें प्रोजेक्टर माध्यम से और टैबलेट माध्यम से पढ़ाया जाता है बच्चे का, उससे बच्चे का रुचि जो पढ़ाई के ऊपर वो बढ़ेगा और ध्यान भी बढ़ता है, और हम कोशिश करेंगे तो बच्चे काफ़ी इंटरेस्ट लेते हुए इस क्लास पे आएंगे। इसके लिए अभी डेमोन्स्ट्रेशन चल रहा था, क्लास हम लोग का जुलाई पे तब चालू होता है, जून जुलाई पे, उस पर हम लोग शुरुआत में 100 क्लासेस स्मार्ट क्लास के रूप से लेने के लिए हम लोग प्लानिंग करें।